मुताबिक बातचीत किसी महिला से हो रही थी और भारत समाचार ने जो सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी उसमें आपने अगर देखा था अशफाक और दूसरे कातिल की जो तस्वीरें आपने देखी थी उसमें एक महिला भी नजर आ रही थी। और अब ये चालक किस महिला का जिक्र कर रहा है ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस को एटीएस को एसटीएफ को पता लगाना होगा। ये देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इसी ई रिक्शा चालक का फोन इस्तेमाल किया गया इसी ई रिक्शा पर वो घूमे हैं कातिल। और ये चार तस्वीरें कातिलों का पोस्टर जारी कर दिया गया है इन दोनों पर ढाई ढाई लाख यानी 5 लाख का इनाम है घोषित है। मुरादाबाद में सघन चेकिंग की गई मिर्जापुर में छापेमारी की गई और नोएडा में भी चेकिंग की जा रही है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में लगातार खुलासे हो रहे हैं लेकिन कातिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सोमवार को शाहजहांपुर में कातिलों की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद अब पुलिस चौकन्नी हो गई है। लखनऊ पुलिस ने कातिलों का पोस्टर जारी कर दिया है। लखनऊ में कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किए गए अखिल भारतीय हिंदू महासभा और शिवसेना ने प्रदर्शन किया। हजरतगंज गांधी प्रतिमा पर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कमलेश तिवारी के परिवार वालों के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की मांग भी की है। खबर सीतापुर से है जहां कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर हिंदू महासभा संगठन के लोगों ने लालबाग चौराहे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीतापुर की तस्वीर और लखनऊ जहां पर कमलेश तिवारी के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो इसी की मांग करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने इस बैठक में राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। क्या है कैबिनेट के अहम फैसले वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में जनहित से जुड़े कई प्रस्ताव पास हुए। शिक्षा कृषि और मनोरंजन से जुड़े क्षेत्र के लिए योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों और राज्य कर्मियों को भी दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। दिवाली के पहले भी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं योगी कैबिनेट में कौन कौन से अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। राज्य स्टेपल्स प्रबंधन नीति को मंजूरी मिली। रायबरेली सिवरेज योजना फेज 3 को मंजूरी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का प्रस्ताव। एडेड कॉलेज के शिक्षक को 7वां वेतनमान। रेगुलर टीचर को 7वां वेतनमान दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना। निर्मल मठ के क्रय अर्जन का प्रस्ताव पास। मत्स्य पालक कल्याण कोष की स्थापना होगी। मत्स्यिकी नियमावली 1954 में संशोधन होगा। भूतत्व खनिज कर्म समूह क ख सेवा का प्रस्ताव। फिल्म साड़ की आंख टैक्स फ्री की जाएगी। राष्ट्रीय कर्मचारी कल्याण निगम का प्रस्ताव। कर्मचारियों के लिए कमेटी का निर्धारण होगा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बननी है। कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। अयोध्या दीपोत्सव को राज्य मेले का दर्जा। योगी सरकार आने के बाद से ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होता है लेकिन इस बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दीपोत्सव को राज्य मेले का दर्जा दिया है जिससे अयोध्या के साथ साथ दूसरी जगहों से आने वाले राम भक्तों में काफी उत्साह है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। लखनऊ से खबर है 15वें वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त आयोग के अध्यक्ष का बयान आया। वित्त आयोग
की यूपी यात्रा सफल रही। एनके सिंह ने कहा, यूपी की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। कुछ समय से यूपी की जीडीपी औसत से ज्यादा रही है। बाकी के राज्यों के मुकाबले यूपी की स्थिति ठीक है। यूपी में वित्तीय संचालन ठीक है, इसका जिक्र एनके सिंह ने किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि यूपी यात्रा सफल रही है। अब तक की यूपी की जीडीपी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। बाकी के राज्यों के मुकाबले यूपी की आर्थिक स्थिति जीडीपी ठीक है। पंद्रहवें वित्त आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया। दो तीन चीज के ऊपर मैं प्रकाश डालूं। सर्वप्रथम जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध किया है वह राष्ट्रीय औसत से निश्चित रूप से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय संचालन को सही रूप से चलाया है। चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में हाई कोर्ट से लॉ छात्रा को जमानत नहीं मिली। कोर्ट में छात्रा ने खुद को निर्दोष बताया। जमानत याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। यूपी सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। चिन्मयानंद के पक्ष ने हाई कोर्ट से समय मांगा है। जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। 6 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। जस्टिस सिद्धार्थ की एकल पीठ में इसकी सुनवाई हुई है। यह बड़ी खबर है। इसके बाद खबर मेरठ से है। स्कूल बस रोक कर पथराव और मारपीट की गई है। मारपीट और पथराव में बस ड्राइवर घायल हुआ है। पथराव मारपीट के डर से स्कूली बच्चे सहमे हैं। आपको बता दें कि 12 से 14 युवकों ने पथराव किया। शीशे टूट गए। स्टार अल फलाह इंटर कॉलेज की बस पर पथराव किया गया। मुंडाली क्षेत्र के नगला मल गांव की घटना है। स्कूल बस रोक कर पथराव किया गया है और मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर है। मारपीट और पथराव में बस चालक घायल हुआ है। पथराव और मारपीट के डर से स्कूली बच्चे सहमे हैं। दर्जन भर युवकों ने पथराव किया। शीशे टूटे हैं। स्टार अल फलाह इंटर कॉलेज बस पर यह पथराव किया गया है। मारपीट और पथराव में बस चालक घायल हुआ है। शोएब, तकरीबन बताया जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग थे जिन्होंने स्कूली बच्चों से भरी बस पर पथराव किया, मारपीट की। वजह क्या बताई जा रही है और अब तक क्या कार्रवाई हुई? राहुल, अभी तक वजह जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या थी, किस वजह से मारपीट हुई और ये पथराव हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कुछ बस में ही कंडक्टर और ड्राइवर के साथ इन लोगों की कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद इन्होंने बस में से उतरने के बाद जब बस दूसरी जगह पहुंच रही थी उसी दौरान बस पर इन्होंने हमला बोल दिया और वहां पथराव भी किया है और जो कंडक्टर था ड्राइवर था उसके साथ मारपीट की है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है जो स्कूली बच्चे उस बस के अंदर बैठे हुए थे वो इस घटना को देख के सहम गए और कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी जान बचानी भारी पड़ गई, क्योंकि लगभग दर्जन भर लोग हैं जो बताए जा रहे हैं इस घटना में। पुलिस ने वहां से मौके पर पहुंची है, किसी तरह से पुलिस ने जो वहां से बस को रवाना तो कर दिया, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से सड़क मार्ग से होते हुए रायबरेली के बछरावा के सुरवा मंदिर पहुंची। सुरवा मंदिर में प्रियंका का काफिला रुका। प्रियंका ने हनुमान जी की पूजा की, आशीर्वाद दिया। प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में महिला अपराध सबसे ज्यादा है। एक साल में 56,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। बहुत सी घटनाओं की तो रिपोर्ट दर्ज हुई है। जिंदा जलाया जा रहा है दिन दहाड़े। अपराध हो रहे महिलाओं के खिलाफ,
आपने देखा है कि जो नए स्टैटिस्टिक्स आए हैं इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम पोजीशन में है इस मामले में कि महिलाओं पे कितना अपराध हो रहा है, तो सरकार को कुछ चेक करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। हम दूसरे राज्यों से अपराधी आकर अपराध की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार के पास सत्ता है, अब बहानेबाजी बंद करनी चाहिए ना और काम करना चाहिए। परिवार वाले और ये बातें सीरियसली लेनी चाहिए। गाजियाबाद में मुठभेड़ के नाम पर खेल हो रहा है। हिरासत में लेकर दो दिन बाद मुठभेड़ दिखाया गया है और इन बदमाशों को स्थानीय जनता ने पुलिस को पकड़ के दिया था। बदमाश आकाश को पब्लिक ने पकड़ा था, पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। बदमाश सन्नी को पुलिस ने घर से उठाया था, लेकिन सन्नी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। मुठभेड़ दिखा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, और अपनी पीठ थपथपा रही है। एक साथ स्कूटी से भागने की कहानी रची। अब सवाल यह है कि जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे एनकाउंटर पर सवाल खड़े होते हैं। यह स्टोरी भारत समाचार के गाजियाबाद के संवाददाता लोकेश राय ने ब्रेक की। लोकेश ने यह बताया कि जिस बदमाश को पुलिस ने गोली मारी दो दिन पहले, पब्लिक ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया, वो लॉकअप में भी थे, लेकिन अब बाद में अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, मेडल लेने के लिए एनकाउंटर दिखा दिया। 20 अक्टूबर को गाजियाबाद के नरपुरम इलाके में जो एनकाउंटर किया गया और इसके बाद आकाश नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया, दरअसल भारत समाचार ने उसी एनकाउंटर की हकीकत खोली थी। 17 अक्टूबर को ही उसे पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था, तो 20 तारीख को पुलिस ने उसका एनकाउंटर का खेल किया, तो आखिर क्यों? अब SSP इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने मुख्य आरोपी सन्नी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाया था, उसके तहत आकाश को छोड़ दिया गया था। अब देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले के अंदर अग्रिम कोई जांच के आदेश दिए जाते हैं या फिर नहीं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। तो ये बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही वो आप जान रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। इधर एक बहुत ही अहम खबर, बाड़ौत में पलायन के पोस्टर लगे हैं। 50 से 60 परिवारों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनके गाँव में विकास नहीं हो रहा है, इसलिए वो मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं। यहाँ से गांव छोड़ के जाना चाह रहे हैं और जाएंगे भी। अच्छा, अगर पोस्टर लगाया गांव में, क्या लिखा है उन पर, क्यों लगाया पोस्टर? ये पोस्टर इसलिए जी, हम पलायन कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ये मकान बिकाऊ है, जिस भाई को खरीदना खरीद लो, अगर नहीं खरीदेंगे तब भी हमें छोड़ के जाना। ये जी, हमें DM साहब ने बताया था आप सॉफ्टवेयर से बिल निकलवाओ इन इन कार्यो के, वे हमने निकलवाए जी, पैसे लगाए और पैसे निकल के हमने DM साहब को बिल सहित उन कार्यो की प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन उसकी जांच गठित हो चुकी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो रही, सिर्फ यही दबाव आ रहा है आप अपनी जांच वापस लो। उसकी जो जांच आई तो उस जांच के कारण प्रधान पे और सेक्रेटरी पे जांच बैठी उनकी, तो उन्हें अपनी जांच में से बचने के लिए दबाव से अधिकारियों के, उन्हें सेक्रेटरी का सिर फोड़ के सुखेंद्र फौजी के नाम मुकदमा लगा दिया। पलायन करने वाले होंगे कम से कम 50-60 परिवार, 50-60 तो इधर से है, और उधर दूसरी पट्टी है, 2-3 पट्टी, उनमें से भी 6-7 आदमियों के नाम रिपोर्ट दर्ज है, इससे ज्यादा उधर के आदमी है। आपने पोस्टर लगाया मकान के बाहर, क्या पोस्टर है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लगाया आपने? ये मकान बिकाऊ है, हम प्रधान के दबाव से गांव से पलायन कर रहे हैं। गाजियाबाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की गई, दो लोगों ने व्यक्ति की गोली मारी है। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हुए हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। मेरठ में किसान विजयपाल घोपला का आमरण अनशन पांचवें दिन भी जारी है। खबर यह कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, हालत चिंताजनक है। 5 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं किसान नेता। शताब्दी नगर अधिग्रहण मामले में प्रतिकर की इन्होंने मांग की है। 1 दर्जन किसान 72 घंटों से पानी की टंकी पर चढ़े हैं। जिला प्रशासन किसान आंदोलन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।
उत्तर प्रदेश में अब इमरजेंसी नंबर 100 की जगह 112 होने वाला है। डीजीपी ने सभी जिलों में पुलिस को निर्देश दिया है कि 112 नंबर को लेकर बेहतर तैयारी करें। 26 अक्टूबर से इमरजेंसी पड़ने पर आप 112 नंबर पर कॉल करें। अब 100 की जगह 112 पर करें कॉल। 26 अक्टूबर से डायल करें 112 नंबर। सिर्फ नंबर बदलेगा, सुविधाएं वही। इमरजेंसी है तो डायल करें 112 नंबर। अभी तक इमरजेंसी में आप 100 नंबर पर कॉल करते थे, लेकिन अब आपको 112 नंबर पर कॉल करना होगा। जिन गाड़ियों पर 100 नंबर लिखा था, उन पर अब 112 नंबर लिखा जा रहा है। कई जिलों से डायल 100 की गाड़ियों को लखनऊ में डायल 100 मुख्यालय पर लाकर 112 नंबर लगाया जा रहा है। जैसे पहले आपको 100 नंबर पर रिस्पॉन्स मिलता था, उसी तरह से अब 112 नंबर पर रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। 112 और 100 के बीच अब क्या बदलाव होने जा रहा है? 100 और 112 में बदलाव होने जा रहा है। 100 नंबर खत्म करके 112 लग जाएगा। अब पब्लिक जो है 112 पर ही उसको नंबर मिलाएगी तो यहाँ पर आ जाएगी सूचना, और सूचना पर हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। तो नंबर हटा के 112 नंबर के स्टीकर लगाए जाएंगे, और जब कोई कॉल आएगी तो 112 नंबर से कॉल आएगी, हम मौके पर पहुँच के उसका निराकरण करेंगे। यही बताया गया वहाँ पे कि ये गाड़ी लेके जाइए आप, और इसमें स्टीकर लगाए जाएंगे, बदले जाएंगे, 112 लगाया जाएगा 100 की जगह। सुरक्षा आदमी को जब मिल जाए तो समझिए सब ठीक है। आज कितना भी मतलब वो कर लीजिए कि 112 चाहे 113 करिए, जब सुविधा को सुरक्षा ही नहीं मिले तो क्या फायदा उसे। अगर ये न्यूज़ सबको पता हो कि हाँ 100 से 112 हो चुका है तो प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी, बिकॉज अगर लोग जानते हैं तो वो उसका यूज़ कर पाएंगे। अगर वो जानते ही नहीं होंगे तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। 26 अक्टूबर को खुद सीएम योगी डायल 112 का लोकार्पण करेंगे। 112 नंबर की जानकारी देने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, जिससे कि जनता में किसी तरह की भ्रम की स्थिति ना रहे। एडीजी जोन एसएन सावत ने कहा कि जिस तरह से 100 नंबर पर अभी तक लोगों को मदद मिलती थी, उसी तरह अब इमरजेंसी नंबर 112 पर भी लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाएं जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे, जिसमें फायर के जो फायर सर्विस का सेवा है, एम्बुलेंस का सेवा है, और या डिजास्टर रिलेटेड कोई अगर सूचना हो, जैसे हो सकता है हम लोग, हमारा जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, रिस्पांस फोर्स है, उसी को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार ये सब भी उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो और लोगों को जो है बेहतर सुविधा मिल पाएगा। बहरहाल अब 26 अक्टूबर से इमरजेंसी सेवा 112 नंबर पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी, और इसका लोगों को कितना फायदा मिलता है और लोगों का क्या रिस्पांस होता है, अब ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से भारत समाचार के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट। इधर मिलावट खोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग ने प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी की। त्योहारों के मौसम में मिलावट पर नकेल कसने को प्रशासन तैयार है। त्योहारों का मौसम हो और खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस बार प्रशासन ने मिलावटखोरों पर पहले से ही नकेल कस रखी है, और इसी के चलते प्रदेश के कई शहरों में खाद्य विभाग ने छापेमारी की और मिठाइयों, खोए और पनीर के नमूने लिए। ग्रेटर नोएडा में खाद्य और आपूर्ति विभाग ने मिलावटखोरों पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान खाद्य विभाग ने 10 लाख रुपए के 5 टन मिलावटी पनीर को जब्त किया, और साथ ही इससे पहले खाद्य विभाग ने 20,000 मिलावटी रसगुल्लों को नष्ट किया था। निदेशन में कार्रवाई की गई है, इसमें हमें सूचना मिली थी कि इस रूट से गाड़ियों में पनीर जा रहा है, और उसी सूचना के आधार पर ये गाड़ियां आज पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। यहाँ पर इनके सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं, और सैंपल को लेबोरेटरी भेजा जाएगा, रिपोर्ट के आधार पर ही फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में खाद्य विभाग ने छापेमारी करके एक फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में सोया से बनने वाले पनीर और अन्य प्रोडक्ट बरामद किए हैं। ये प्रोडक्ट बिना पैकिंग डेट के पैक करे जा रहे थे, और साथ ही खाद्य विभाग ने 30,000 लीटर सोया मिल्क को भी नष्ट किया।
थोड़ा सा मिलावटी मावा हमें देखने में प्रतीत हो रहा है और करीब 40 कुंटल मावा है जिसकी कीमत करीब 10 लाख के आसपास है। खाद्य विभाग ने मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग के अधिकारी चमन लाल ने कई दुकानों पर छापे मारकर 28 नमूने भरकर जांच के लिए भेजे और 6 कुंटल मिलावटी मावे को पकड़ा। खोई की गाड़ी पकड़ी थी जिसमें जो है छापेमारी की गई विभाग द्वारा और 7 नमूने लेकर के खोए थे और जांच हेतु लैब भेजे गए हैं। खाद्य विभाग ने बलिया में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर मिलावटी खाद्य पदार्थों को पकड़ा है और यहां पर दुकानदार नकली सामान को ब्रांडेड कंपनी के नाम से बेच रहे थे। खाद्य विभाग ने मिलावटी सामान के नमूने भरकर जांच के लिए भेजे हैं। त्योहारों के मौसम में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने का खाद्य विभाग की कोशिशें अब धीरे धीरे रंग लाती नजर आ रही हैं और प्रदेश के अलग अलग शहरों में भारी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री पकड़ी जा रही है। अब देखना है कि दिवाली तक खाद्य विभाग किस हद तक मिलावट पर लगाम लगाने में कामयाब रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए।